My dear children of Vidyashri Public School, in this bad situation, you know that there is bad situation over all world, and children are staying their home. Your school administration wants to teach you online. So, I am going to teach you communicative English for class 8 and the chapter is Are you a vegetarian? क्या आप शाकाहारी हैं? बच्चों, मैं इसमें आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ा बहुत, और फिर जो अगले दिन की पढ़ाई थी, पिछले दिन जो पढ़ाए थे उसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि वेजिटेरियन जो है, जो लोग वेजिटेरियन हैं और मांस मछली क्यों नहीं पसंद करते और हेल्दी क्यों होते हैं। अब मैं अगले भाग को पढ़ा रहा हूं। इन रिच कंट्री देयर हैज बीन ए ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मीट। जो समृद्ध देश हैं उनमें बड़ी तेज गति से मीट की मांग होने लगी है। इट हैज रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ जितनी मीट की मांग होती है, जितने लोग मीट खाते हैं उतनी उनके शरीर में समस्याएं आती है, परेशानी आती है, क्योंकि मानव का शरीर जो है शाकाहारी ईश्वर ने प्रदत्त किया बनाया है, मांसाहारी ने बनाया, और आदमी मांस मछली के ज़्यादातर सेवन करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा बीमारियां भी पैदा होती है। इट हैज बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एज मोर एंड मोर लैंड इन बिग क्लियर फॉर रेजिंग लाइफ स्टॉक। जितनी संख्या बढ़ी है, लोगों की तादाद बढ़े हैं, जनसंख्या वृद्धि हुई है, बड़े पैमाने पर जंगल का कटाव हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जंगल साफ करके लोगों को रहने के लिए घर बनाया गया है। टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम ऑफ ग्रेन विच नीड 7,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो। जानते हैं 1 किलोग्राम मीट बनाने के लिए 7 किलोग्राम अनाज और 7,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना, बहुत बड़ी बात। इससे पहले क्या आप जानते थे, यदि आप मीट खाते हैं तो सुन लीजिए कि मीट खाने से आपके शरीर में समस्याएं होगी, परेशानी पैदा होगी, बीमारी पैदा होगी, और 1 किलोग्राम मीट पैदा करने के लिए, जानवर के मीट पैदा करने के लिए उस जानवर को 7 किलोग्राम अनाज खाना होता है और 7,000 लीटर पानी पीना पड़ता है। एज मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज फॉर रेजिंग पिग्स एंड चिकन फॉर फूड। मिलियंस ऑफ आवर वेल आर गोइंग ड्राई making waterless available for crops and drinking। इन जानवरों को, जानवरों में जिनको जाकर शुगर है, पिग्स मतलब चिकन है, मुर्गे मुर्गियां हैं, इनको भोजन के रूप में जो हम देते हैं, पानी पिलाते हैं, उससे कितने लाखों लाख कुएं सूख गए हैं। जो पानी फसल के लिए थी वह पानी इन्हें हम पिला देते हैं। Mass production of meat has also become a huge source of population।
मांस का मतलब मीट के जो प्रोडक्शन उत्पादन हम जो करते हैं या जनसंख्या वृद्धि के कारण ह्यूज सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, ये ज़्यादा जनसंख्या का बहुत बड़ा एक स्रोत है। फार्म एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट देन पीपल। फार्म में बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ जानवर पाले जाते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ रखे जाते हैं। अमेरिका जैसे राज्यों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ 130 बार मतलब ज़्यादा वो कचरा आदमी के पीछे ज़्यादा पैदा करता है। मतलब आदमी जितने बार लैट्रिन जाता है पैखाना पेशाब, उससे 130 बार ज़्यादा हो जाता है। ये पैखाना पेशाब क्या है? कचरा ही तो है शरीर का। वन फार्म इन उटाह प्रोड्यूसेज मोर स्वेज देन द होल सिटी ऑफ द लॉस एंजल्स। एक फार्म से उठा है जिसमें अमेरिका का एक राज्य है यूएसए, वहाँ से इतनी कचरा निकलती है जितना पूरा होल सिटी ऑफ लॉस एंजल्स से निकलती है। लाइव स्टॉक वेस्ट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिश इन आवर रिवर्स एंड ओशन। ये लोगों की जो जीवन है वो हम लोग ही, नदियों में जो मछली है, समुद्र में जो मछली है, उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। इन सम एरियाज इट हैज ऑल्सो पॉल्यूटेड आवर ड्रिंकिंग वाटर। और जो कूड़ा कचरा है वो किसी किसी एरिया में तो हम लोग के लिए जो पीने वाला पानी है नहाने के लिए, उस पानी को भी वो प्रदूषित कर चुका है। ईटिंग ए लॉट ऑफ मीट कैन लीड टू ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज इंक्रीज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर। क्या आप जानते हैं अधिक मात्रा में मांस का सेवन करना, मांस खाना, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा कर सकता है। जैसे कि हमारे लिए मोटापा पैदा कर देगा ओबेसिटी, हमारे पास दिल की बीमारी है और विभिन्न प्रकार के कैंसर भी पैदा करेंगे मांस। द वेरियस केमिकल्स फेड टू लाइव स्टॉक डिजीज आर ऑल्सो ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। बहुत मात्रा में जो रासायनिक पदार्थ है वो भी इन जानवरों को खिलाए जाते हैं और जिससे इनका मांस प्रदूषित हो जाता है और वह जो है हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ईटिंग मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स कैन बी ट्रेबल। यदि एक बार दो बार खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक यदि हम मांस का सेवन करते हैं किसी जीव के, तो ये हमारे लिए टेरिबल है, भयानक है, असहनीय है, नुकसानदायक है। तो बच्चों आपने देख लिया कि शाकाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है, शाकाहारी क्यों होना चाहिए और मांसाहारी क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम लोग शाकाहारी बने, मांसाहारी ना बने, जिंदगी लंबी चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं तो शाकाहारी बने, बहुत से फायदे हैं। और जो अगला वीडियो है मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद इस पाठ का प्रश्न भेज दूंगा, फिर उत्तर दूंगा। आप लोगों से अनुरोध की जाती है कि आप अपना किताब खरीद लें, विद्यालय में किताब उपलब्ध है और घर बैठे हम आपको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। जब तक सरकार के आदेश नहीं आ जाते स्कूल खोलने का, तब तक आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।